जय हिंद बच्चों, हम लोग क्या है IWT पढ़ रहे थे। IWT में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था, हमने पिछले दिन पढ़ा था HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, कि किसी भी हम पैराग्राफ के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से खींच सकते हैं या फिर क्या लगा करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। वहाँ पे था HR टैग का प्रयोग करके जिस भी लाइन के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लाना था, या फिर जैसे कहीं पे लेफ्ट साइड में या सेंटर में या फिर क्या है राइट साइड में अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे लाना है, जैसे कि आप लोग कोई फॉर्म देखते हैं, फॉर्म में नीचे लिखा रहता है कैसे लाइन रहता है, लिखा रहेगा सिग्नेचर, क्या लिखा रहेगा सिग्नेचर करके लिखा रहता है। तो वो लाइन तो मान लेते हैं हम पेपर बनाते समय हम नॉर्मली खींच देते हैं, लेकिन वो आता कैसे है उसी HR टैग से ही। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने क्या था, HR टैग पढ़ा था, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट इन HTML, यानी HTML में लिस्ट को क्रिएट करना। अब लिस्ट के नाम से ही पता चल जाता होगा कि जैसे ढेर सारे बच्चों के नाम की लिस्ट, मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने सामान लेने तो लिस्ट, आप कहीं पे कोचिंग पढ़ा रहे हैं बच्चों का लिस्ट, आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं उनका लिस्ट ना, तो कुछ भी शादी हो रही है शादी में किन किन लोगों को कार्ड देना है छपवाना है, कितने लोग हैं उनका लिस्ट। तो ये लिस्ट समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या चीज़ होता है। किसी भी ढेर सारे कह रहे हैं कि ढेर सारे डेटा आइटम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। नहीं, ढेर सारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें लिस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, हम कहें तो अगर हमें क्या है कि जैसे कि 10 20 25 50 लड़के हैं तो उनको एक क्रम में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जो लिस्ट 3 प्रकार का होता है, पहला कह रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर का मतलब होता है आप समझ जाते हैं, ऑर्डर लिस्ट मतलब इसको हम OL से, इसका जो टैग होता है मेन OL होता है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है कि हम कोई चीज ऑर्डर में, जैसे कि 1 2 3 ABCD रोमन अंका, किसी भी ऑर्डर फॉर्म में यानी क्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है अनऑर्डर, अनऑर्डर का मतलब बिना ऑर्डर फॉर्म में हो, अनऑर्डर लिस्ट जिसमें कोई भी कह रहा है कि ऑर्डर ना हो, ठीक है। इसका क्या है टाइप क्या होता है UL। अगला होता है डिफिनेशन, डिफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है ध्यान देना, इसका होता है DL, ठीक है डिफिनेशन लिस्ट। तीन प्रकार का लिस्ट होता है, ऑर्डर लिस्ट जो किसी क्रम को दर्शाता है, अनऑर्डर लिस्ट जो विदाउट क्रम रहेगा उसमें कोई नंबर नहीं रह सकता, उसमें हाँ ये डॉट रह सकता है कि आपने इसे बिंदु दे दिया, डिस्क दे दिया, सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, तो आप जो चाहे उसमें दे सकते हैं, ठीक है। और डिफिनेशन लिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हम IWT पढ़ा रहे हैं, IWT आपका सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्टों का क्या करना है लिस्ट बनाना है। हमने लिखा IWT के नीचे लिखेंगे क्या इंटरनेट, यानी हम क्या करेंगे इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, तो उसका क्या होगा डिफिनेशन हो गया। हमने DSC लिखा, DSC का नीचे क्या करेंगे इसका डिफिनेशन कर देंगे, तो डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। हमने क्या है कि CS लिखा, CS फर्स्ट लिख दिया तो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट हो जाएगा, EC लिख दिया एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। तो जिस तरीके से कोई शॉर्ट फॉर्म हो उसका हम फुल फॉर्म लिखते हैं वो क्या कहलाता है डिफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ये तीन प्रकार का आपका लिस्ट होता है, यानी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर और क्या है डिफिनेशन लिस्ट। आज हम क्रिएट करना सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट होता है, किस तरीके से होगा, ये हम एग्जांपल के माध्यम से फोन पे समझेंगे, स्क्रीन पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लीजिए। ऑर्डर लिस्ट का जो मेन सिंटेक्स होता है वो OL, इसका क्या होता है OL, जो आपका स्टार्टिंग भी होता है और OL का क्या होता है क्लोजिंग भी होता है, ठीक है। ये तो हमारा क्या है टेबल क्रिएट करने का क्या हो गया स्टार्टिंग। अब हमें क्या करना है इसमें आइटम को लिखना है, हम क्या करते हैं लिस्ट आइटम LI से, क्या करेंगे हम LI से आइटम लिस्ट लिस्ट आइटम क्या करते हैं लिखते हैं LI, ठीक है। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये हमारा क्या होता है सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम HTML के बेसिक टैग लिखेंगे, OL लगा देंगे, ये भी OL लगा देंगे, और लिस्ट आइटम का मतलब हमने यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हमें जो भी लिस्ट बनानी है 50 लोगों का, हम फटाफट यहाँ क्या करते गए LI लगा करके फटाफट उनके क्या करते गए नाम लिखते गए, हमारा लिस्ट तैयार होता गया, ठीक है इस तरीके से। अब हम चाहते हैं लिस्ट में हमारा क्रम वाइज करवाए, मतलब नंबर वाइज आए 1 2 3 करके, तो हम बार बार यहाँ 1 2 3 तो लगा नहीं सकते। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि ऑर्डर लिस्ट का क्या होता है एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का हम प्रयोग कर देंगे। अगर हम एट्रीब्यूट का प्रयोग कर देंगे तो सभी नामों में क्या है कि 1 2 3 ABCD लगाना चाहते हैं तो ABCD आ जाएगा, रोमन लगाना चाहते हैं तो रोमन लगा सकते हैं। इसका एट्रीब्यूट क्या होता है ध्यान देना, इसका होता है एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, ध्यान देना इसका क्या होगा, ओएल। एट्रीब्यूट किसका है, ऑर्डर लिस्ट का है, तो हम ओएल में लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ क्या लिखते हैं, टाइप। टाइप इज इक्वल टू लिखेंगे वैल्यू। अब वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ध्यान देना, ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है एट्रीब्यूट, यानी किसका, ऑर्डर लिस्ट का। अब इसमें हमें कौन कौन सी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू आप रख सकते हो वन, ए छोटा ए रोमन, ठीक है। इनमें से जो भी आप रखोगे, अगर वन रखोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आएगा, ए बड़ा वाला रखोगे तो एबीसीडी आएगा, छोटा वाला रखोगे छोटा वाला, रोमन रखोगे तो रोमन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो रखना चाहोगे स्टार्टिंग उसका लिख दोगे, बाकी अपना क्रम से लिखता चला जाएगा, बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये था ऑर्डर लिस्ट, और आपके क्या थे, ऑर्डर लिस्ट का सिंटैक्स, और क्या था ऑर्डर लिस्ट का क्या है एट्रीब्यूट। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी अब हम इसको क्या है एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, तभी आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखो हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं, और हमारे HTML का जो बेसिक टैग हमने लिख लिया, HTML हेड टाइटल ऑर्डर लिस्ट हम बना रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट सारा लिख करके हमने रख दिया। अब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब भी हम ऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट बनाने से पहले ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो क्या होता है, ओएल। ओएल हमने लिख लिया। अब ओएल के बाद लिखने के बाद अब हमें यहाँ आइटम को, यानी जिसका भी लिस्ट बनाना है, बच्चों का लिस्ट बनाना है, तो हमें क्या करना है, उनके नाम को हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम के नाम से लिखेंगे, ठीक है। जितने भी हमें आइटम चाहिए, जैसे 50 लड़के हैं, तो हमने 50 लड़के का क्या है, नाम लिखना स्टार्ट किया, इस तरीके से लिस्ट आइटम करेंगे और सबका लिखता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मान लो मैंने इतना लिखा, अब उसके बाद क्लोज कर दिया। अब देखो आउटपुट निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे आउटपुट में 1 2 3 4 पहले से लग गया, यानी पहले से लग करके आया है। अब हम चाहते कि हमें 1 2 3 4 चाहिए ही नहीं, हमें रोमन की गिनती चाहिए। तो रोमन की गिनती चाहिए, तो हमने बताया था एट्रीब्यूट में क्या करोगे, ओएल में टाइप लगाओ, टाइप इज इक्वल टू क्या कर दो भाई, वहाँ पे जो भी चाहिए, रोमन में चाहिए तो रोमन में एक अंक लिख दो, आई लिख दो। अब देखो सारे में 1 2 3 करके आ जाएगा, 1 2 3 4। अब जितने भी आप लिखते जाओगे, बार बार आपको 1 2 3 4 नहीं लिखना है, अब जितने भी यहाँ पे लिस्ट पर आप ऐड करते जाओगे, LI मैंने ऐड करके दूसरा नाम लिख दिया ना, मैंने दूसरा नाम लिख दिया, देखो अगला आ गया 5 आ गया। आपको नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, एट्रीब्यूट इसीलिए होता है कि हमें नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें यहाँ पे छोटा वाला ABCD चाहिए, तो हम छोटा वाला ए लिख देंगे, छोटा वाला ABCD आ जाएगा। हमें नहीं बड़ा वाला ABCD चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बड़ा वाला ए लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ा वाला ABCD आ गया ना। तो जिस तरीके से हमें जो चाहिए हम वो एट्रीब्यूट लगाएंगे, और ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, हमारा आउटपुट निकल करके आएगा। इस तरीके से हमारा क्या है, लिस्ट बनता है। अब आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल का, किसी भी सूची का, सामग्री का, या अपने दोस्तों के नाम का, या फिर कॉलेज के बच्चों का नाम, अपने क्लास के बच्चों का नाम, एक ऑर्डर लिस्ट तैयार करिए। लिस्ट तैयार करके हमें क्या करिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि देखिए सर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रहा ऑर्डर लिस्ट, ऐसे ही हमारा अनऑर्डर लिस्ट होगा, और ऐसे ही हमारा क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट होगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं अनऑर्डर लिस्ट को लेकर के। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये टॉपिक मुझे आपको मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से बनता है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से क्लोज करके हम दूसरा ऑर्डर लिस्ट तैयार कर लें, इतना में हमारे में सेक्शन ए में 85 लड़के, 6 लड़के हैं, अब हम अगला चाहते हैं तो क्या करेंगे, ओएल लगाएंगे। ओएल लगाने के बाद अगला लिस्ट आइटम शुरू कर देंगे, मान लेते हैं रोहन, ठीक है, फिर सोहन। अब हम क्या कर दिए, इतना कर दिए। अब फिर हम क्या करते हैं, ओएल को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने क्लोज कर दिया। अब देखो ये वो अलग हो गया, वो नाम अलग हो गया, ये नाम अलग हो गया। अब हम इसमें चाहते हैं कि 1 2 3 आए, नहीं तो क्या आए, दूसरा कुछ आए, 1 2 3 आए, नहीं तो या तो कुछ दूसरा चीज़ है, रोमन का नंबर आए। चलो हम रोमन का नंबर चाहते हैं, तो रोमन का नंबर आए लिख दिए। देखो उसमें ABCD है, इसमें रोमन का नाम है। तो आप जिस तरीके से चाहो, अब जैसे आपको सर्च करना है सीता को, तो आप ई लिख दोगे, सीता सर्च हो जाएगी। आपको रोहन को सर्च करना है, आपने पता है कि रोहन जिस नाम में लिखा उसमें क्या है कि रोमन वाली गिनती लिखी गई, तो रोमन वाली गिनती डाल दोगे तो नाम सर्च हो जाएगा। इस तरीके से आपको तीसरा लिस्ट बनाना है, तो ओएल को क्लोज कर देंगे, अगला ओएल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट तैयार होता है ना। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट डे मिलते हैं अनऑर्डर लिस्ट को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।